गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज का हमारा चैप्टर 21, हमारा टॉपिक है काल। बुक के पेज नंबर 42 पर आइएगा। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको पढ़िएगा। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था का मतलब बहुत पहले दिया था, जो समय बीत चुका है उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल। अगले पॉइंट पर आइएगा। प्रीति चित्र बना रही है मतलब वो अभी बना रही है, तो ये हमारा होता है वर्तमान काल। जो काम चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। थर्ड सेंटेंस पर आइएगा। सन 2023 तक भारत में बुलेट ट्रेन चलने लगेंगी, तो ये बात कब की हो रही है, भविष्य की हो रही है। अभी नहीं हुआ है वो काम, भविष्य में होगा, तो ये हमारा भविष्य काल में आता है। अब क्रिया काल किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा बनेगी। क्रिया में के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल अर्थात टाइम या समय। जैसे नीचे उदाहरण में देखिए, भारत ने शून्य की खोज की थी, यहाँ बात हमारी बीते हुए टाइम की हो रही है। रमेश दौड़ रहा है, जो काम अभी चल रहा है, बारिश, कल बारिश आएगी आने वाले समय में। तो तीनों उदाहरण हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में बताते हैं। भूतकाल के तीन भेद, जैसा आपने सुना ही है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, तीन भेद होते हैं। अब भूतकाल की बात पर आ जाइएगा, भूतकाल के नेक्स्ट पेज पर आइएगा। इसकी परिभाषा में, जो समय बीत गया है उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल। इसके कुछ उदाहरण देखिएगा। अर्जुन ने कर्ण को मारा अर्थात वो मार चुका है, वो काम हो चुका है। पिताजी ने अभी अभी खाना खाया है, वो खाना खा चुके हैं, इसका मतलब काम हो चुका है। तो ये हमारे भूतकाल के उदाहरण हैं। अब भूतकाल के उदाहरण पर आएंगे तो हमारे उदाहरण बनते हैं 6। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल में आइए, जिस क्रिया से बीते हुए काल के समय का बोध होता है वह सामान्य भूतकाल, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल में देखिएगा, नीरजा चली गई, मोहन ने सोचा, चपरासी ने सांप को मारा, सिपाही ने गोली चलाई, ये काम नॉर्मल है हमारे जो हो गए। इसके बाद आसन्न भूतकाल, जिस क्रिया के रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। वह अभी गया है, उसने खाना खाया है, मतलब कि है आ रहा है, अभी काम उन्होंने किया है, तो ये हमारे आसन्न भूतकाल। फिर बात आती है पूर्ण भूतकाल, जो क्रिया हमें यह बताती है कि कोई कार्य बहुत पहले समय पहले समाप्त हो चुका है वह पूर्ण भूतकाल होता है, काम पूरा निपट चुका है। भगवान कृष्ण बांसुरी, बहुत मधुर बांसुरी बजाया करते थे, राम ने बाली को मारा था, काम बहुत पहले हो चुका है, तो ये पूर्ण भूतकाल में है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की जिस क्रिया से हमें पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था पर वह कब समाप्त हुआ इसका हमें पता नहीं चलता, वो होती है अपूर्ण भूतकाल। जैसे गुरु जी तबला बजा रहे थे, जब हमने देखा तब वो तबला बजा रहे थे, लेकिन अब बजा रहे हैं या नहीं, उन्होंने कितनी देर बजाया ये हमें नहीं कन्फर्म है, नहीं पता है। नेक्स्ट सेंटेंस में, मोहिनी नृत्य कर रही थी, जब हमने देखा या हमें पता लगा वो नृत्य कर रही थी, अब पता नहीं कि वो कर रही है या नहीं कर रही है, उसने कितनी देर तक किया। तो ये होता है हमारा अपूर्ण भूतकाल, जिसमें हमें काम पूरा होने की सूचना नहीं मिलती। फिफ्थ है हमारा संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से हमें उसके पूरा होने का काल संदिग्ध हो, अर्थात हमें संदेह हो कि काम कब पूरा हुआ है, उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। उसका उदाहरण देखिए, उसने अपना पाठ याद कर लिया होगा, मतलब वो याद कर चुका होगा, इस बात का हमें नहीं पता कि उसने किया या नहीं, लेकिन एक बात हमारी सोच है कि उसने पाठ याद कर लिया होगा। चिड़ी मारने कबूतर पकड़ लिया होगा, तो यहाँ हमें संदेह है काम पूरा होने में। फिर सिक्स आता है हमारा हेतु मद भूतकाल, क्रिया भूतकाल की जो क्रिया किसी शर्त पर निर्भर हो, जिसमें कोई कंडीशन रख दी गई हो, उसे कहते हैं हेतु मद भूतकाल। जैसे कुमार पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता, मतलब इसमें शर्त है कि वो पढ़ता तब पास होता। दूसरे उदाहरण में देखिए,
वह मुझे मिलता तो मैं उससे खूब बातें करता। बात क्या गई, अगर वो मुझसे मिलता तभी तो बातें करता, ये हमारी शर्त रख दी गई। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है कि शर्त रख दी जाती है, कोई ना कोई कंडीशन होती है, तभी हमारा वो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। अब आते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल तो आप जानते हैं, जैसे कि वर्तमान काल वह होता है जिसमें समय जिस समय हमारा काम चल रहा होता है। भूतकाल वर्तमान काल के भी तीन भेद बताए हैं, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल का संदिग्ध भूतकाल, वर्तमान काल सॉरी। सामान्य वर्तमान काल में जिस क्रिया से वर्तमान काल में काम का होना या करना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाता है, वे हंसते हैं, रमेश दौड़ता है। जैसे इसका वाक्य बनाए तो, मैं अक्सर दूसरे दर्जे में सफ़र करता हूँ, मैं अपने मित्र के यहाँ जाता रहता हूँ, काम होता रहता है। सेकंड है अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है, यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी है अर्थात चल रहा है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे रेल जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये काम अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। थर्ड है संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य जी भाषण देते होंगे, मेरा मित्र आता होगा, अर्थात वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि दे रहे होंगे या मेरा मित्र आ रहा होगा, तो ये होता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। श्योर नहीं होता लेकिन ये प्रेजेंट में चल रहा होता है, वर्तमान काल में एक बात चल रही होती है। थर्ड आता है हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल के दो भेद बताए गए हैं। भविष्यत काल वो होता है जिसमें हमें आने वाले समय में काम के आने होने का बोध होता है, उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के दो भेद, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में कि जिस क्रिया द्वारा यह बोध हो कि क्रिया भविष्य में होगी, आने वाले समय में होगी, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, सुरेश खेलने जाएगा, ये दोनों काम जो हैं आने वाले टाइम में करेंगे, तो ये सामान्य भविष्यत काल हो गए। दूसरा होता है हमारा संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की जिस क्रिया के द्वारा उसके होने अथवा करने में संदेह या संभावना पाई जाती है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। कोई काम होगा या नहीं होगा भविष्य में, वो होता है हमारा संभाव्य भविष्यत काल, जिसे हम होने की हमें संभावना होती है। इसका उदाहरण देखिए, कदाचित वह पढ़ने आ जाए। सेकंड उदाहरण है, जब वह तुम्हारे पास आएगा उस समय तुम खाना खा रहे होंगे, तो इसमें उम्मीद की जा रही है कि ऐसा होगा। ये हमारा होता है संभाव्य भविष्यत काल, जहाँ काम के होने की संभावना होती है। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था काल का, ये कंप्लीट होता है। ओके।